नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन में भगवान परशुराम के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन में सर्व ब्राह्मण समाज के बैनर तले शनिवार को महर्षि भगवान परशुराम के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में शाम 4 बजे देवी भगवती माता मंदिर सांची रोड से ढोल नगाड़ों डीजों के बीच भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के 11 स्वरूपों की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। आगे आगे डीजे ढोल नगाड़े के साथ भगवान परशुराम की झांकियां चल रही थी। समारोह में शामिल समाज के लोगों ने हाथों में तलवार भाले लेकर भगवान जय जय परशुराम के जयकारे लगाए। महर्षि भगवान परशुराम की शोभा यात्रा पर शहर में जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा आस्था श्रद्धा के फूल बरसाकर आरती पूजा अर्चना कर स्वागत किया। शोभा यात्रा में ब्राह्मण समाज के नरेश चंद शर्मा, ब्रजेश चतुर्वेदी, प्रमोद कानकर, गिरजेश नारायण चतुर्वेदी, संघर्ष शर्मा, मोनू शर्मा, राजेंद्र दुबे सोमवारा, अंशुल शर्मा, इसित शर्मा, एडवोकेट राजू चतुर्वेदी, मुकेश चतुर्वेदी, प्रवीण मिश्रा, संदीप दुबे, अनिल भार्गव, मोनू शर्मा, रविंद्र शर्मा, सौरभ उपाध्याय, निमित चतुर्वेदी, हल्ला महाराज आदि शामिल हुए। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। भगवान परशुराम का प्रकटोत्सव है, ब्राह्मण समाज द्वारा इसको भव्य रूप से मनाया जा रहा है।